आप सभी स्टूडेंट्स का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हुकूक, यानी इंसानी हुकूक। आज हम इंसानी हुकूक के बारे में बात करेंगे। ये हुकूक ये हुकूक क्या है, इंसानी हुकूक यानी राइट्स, जो हम पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा बोलते हैं, एम्फोसाइज भी करते हैं, ये है क्या, इसके बारे में आज का लेक्चर होगा। और जब मैं लेक्चर शुरू करूंगा तो पहले मैं जो मेरा एक पैटर्न है, एक तरीका है लेक्चर देने का, तो मैं अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से डिस्कस करता हूँ ताकि सभी जो शागिर्द है, स्टूडेंट्स है, उन वो अच्छे से समझ सके। तो आज मैं पहले जब मैं शुरू करूंगा तो पहले जो है मैं इंसानी हुकूक किस को हम बोलते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। यानी पहले सेक्शन में हम ये समझें कि ह्यूमन राइट्स क्या है या राइट्स इन जनरल है क्या। दूसरा उसके बाद मैं आपके साथ हुकूक के इब्तिदा और इर्तिका के बारे में बात करूंगा कि ये वजूद, इनका वजूद कहाँ से हुआ है। ये जो हम राइट्स आज कहते हैं, आप दुनिया भर की को देखिए, इंटरनेशनल लेवल को देखिए, नेशनल लेवल पे देखिए, बहुत ज्यादा हुकूक की बात ऊपर बात होती है। तो ये हुकूक कहाँ से, आज हम कहते हैं कि औरत और मर्द बराबर है, बाकी जो मामले जो चीज है, हर इंसान बराबर है एक दूसरे से, ये इस चीज का, इस बात का, ये डिस्कोर्स कहाँ से शुरू हुआ, ये बात कहाँ से शुरू हुई कि हर इंसान एक दूसरे इंसान के बराबर है। और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ यानी हुकूक के अकसाम के बारे में बात करेंगे कि जो राइट्स है क्या, ये कितने टाइप्स के हैं, इनके एक्साम क्या है, उस को हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में मैं एक आपके साथ शेयर करूंगा हुकूकों की अहमियत यानी सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स। हुकूक क्यों जरूरी है, क्यों आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात कीजिए, सभी जो है जमहूरियत, जो जितने भी हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका में जितनी भी जमहूरी कंट्री है जहाँ पे जमहूरियत है, वो हुकूकों की बात पर बहुत ज्यादा जोर देते, लोगों के हुकूक के बारे में ज्यादा, वो इस बात को क्यों इतना जोर देते, क्या है इन हुकूकों, इतने अहम क्यों है, जो लोग या कुछ बड़े इंटरनेशनल बॉडीज जिसमें यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो क्यों इन हकों की बात पर जोर देता है। बल्कि आज बहुत सारे मुल्कों का निजाम यानी उनके गवर्नमेंट हकों के बुनियाद पे देखे जाते हैं कि क्या वो अथॉरिटेरियन है या जमहूरी मुल्क है। जैसे हिंदुस्तान हम आज बोलते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, हम इसलिए बोलते कि यहाँ पे हर इंसान के लिए हुकूक है। तो उस आखिरी सेक्शन में हम इन चीजों को देखेंगे कि इनमें इतना है क्या है कि लोग और दुनिया भर के लोग, मुल्क इस पे इतना जोर देते हैं। तो ये चार चीजें हम आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि ये हुकूक है क्या, जब हम बोलते हैं राइट्स है क्या, ये इंसानी राइट्स है क्या। ये इंसानी हुकूक को आलमी सतह पर हुकूक के तौर पे समझा जाता है जो महज इंसान होने की हकीकत में शामिल है। मतलब ये कि हुकूक ऐसी चीजें हैं जो आलमी सतह पर मानी जाती है, आलमी सतह पर दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये हर इंसान के लिए इसकी बुनियादी जरूरत क्या। आज मैं कहता हूं आई हैव राइट्स, मैं किस बुनियाद पे कहता हूं कि मैं एक इंसान हूं। पहली बात कि इंसानी हुकूक दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। आज दुनिया का कोई मुल्क, कोई बंदा या कोई एजेंसी ये नहीं कर सकती कि इंसान के हुकूक नहीं है। तो दुनिया भर पे पहली बात हुकूकों को रिकॉग्नाइज किया गया है। और दूसरा साथ साथ ये किन किन के लिए है, हर इसके लिए क्या जरूरी है कि जब मैं कहता हूँ आई हैव राइट्स या बाकी आप लोग कहेंगे कि मेरा हक है ये, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जरूरत क्या, ये कि आपका इंसान होना काफी है। जो भी दुनिया भर में इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, उस वो क्लेम कर सकता है, वो दावा कर सकता है कि मेरे कुछ हुकूक है। क्यों, क्योंकि वो इंसान है। इंसानी हुकूक होने का सिर्फ ये जरूरी है कि आप इंसान हो, ठीक है। तो पहली कि ये वो चीज है जो हर एक के लिए बराबर है, और इसकी बुनियादी चीज जरूरत ये है कि आपका इंसान होना काफी है। मेरे हुकूक इसलिए है क्योंकि मैं इंसान हूं, आप लोगों के हुकूक इसलिए बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, आप लोग सब इंसान हैं। तो वो एक अहम चीज है। दूसरा, इंसानी हुकूक का तस्वुर इस अकीदे पर मबनी है कि हर इंसान को बिला इम्तियाज अपने हुकूक हासिल करने का हक है।
इंसानी हुकूक का तस्वर क्या है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है, इसका बिलीफ ये है कि हर इंसान को हुकूक हासिल है। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी भी जिन्स से ताल्लुक रखता हो, मर्द हो औरत हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, या चाहे वो किसी भी कलर का हो, चाहे वो गोरा हो काला हो या कोई और, सब एक बराबर है। तो सबके लिए ये दुनिया में इन चीजों को लेकर ये पहले ही रिकॉग्नाइज किया गया, इंसान के हुकूक हर इंसान के लिए इसकी बुनियाद है कि हर इंसान को बिला इम्तियाज हुकूक हासिल करने का हक है। सपोज मेरा हक है कि मैं पढ़ू, मेरा हक है कि मैं अपने हिसाब से जिंदगी को चलाऊं, ये मेरा हक है। Who has given me these rights? ये मुझे किसी ने नहीं दिया, बल्कि ये मेरे साथ जब मैं पैदा हुआ था तो इंसान के साथ उसके हुकूक भी पैदा होते हैं। तो इसलिए ना इसको कोई दुनिया की ताकत रद्द कर सकती है, ना कोई स्टेट इसको रद्द कर सकती है। जिस स्टेट जो स्टेट इन चीजों को रद्द करती है उनको हम जमहूरियत नहीं कहते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया एक जगह है, चाइना दूसरी जगह है, जहां पे इंसानों हुकूकों पूरे हुकूक नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से बोले उनको नई हुकूक है। तो जमहूरियत के बारे में जब ये चीज जब हम जमहूरियत के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हुकूक का होना बेस बुनियादी ये जरूरत है। तो इंसानी हुकूक का तस्वर इसी बुनियाद पर कि हर इंसान को बिला किसी इम्तियाज के हक हासिल है, खाने का हक, मजहब को फॉलो करने का हक, अपने हिसाब से जिंदगी चलाने का हक, अपने हिसाब से कारोबार करने का हक, अपने हिसाब से काम करने का हक, ठीक है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आर्ग्यूमेंट है। हाँ, सिर्फ ये बात ख्याल, जैसे हम लिबर्टी के बारे में बोलते हैं कि आपके हुकूक, जब आप अपने आप को हुकूक कहते हैं कि मेरे तो हुकूक है, तो आपको उस वक्त ये भी जहन में रखना है कि दूसरे का भी हक है, ठीक है। आप अपने हुकूक के लिए दूसरे हुकूकों को, दूसरे लोगों के हुकूकों को नजरअंदाज नहीं कर सकते या उनको नहीं छीन सकते हो। जैसे मेरे हक है वैसे बाकी लोगों के हक है। तो इसीलिए कई सारी चीजें, कई सारी बात वक्त हम ये भी कहते हैं, हक जो है ये जिम्मेदारियों के साथ आते हैं, राइट्स कम विद ड्यूटीज, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे हक है, मगर मेरे हुकूक दूसरों को हुकूक की पामाली नहीं करनी चाहिए, या मैं अपने हुकूक को जब एंजॉय करना चाहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के हुकूक को छीनूं। इंसानी हुकूक का तमाम अफराद के पास यकसा तौर पे, आलमी तौर पे और हमेशा के लिए है। ये जो हुकूक है ये सब के लिए बराबर है। हम सिर्फ जमहूरी कंट्रीज के बारे में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में ये बात होती है। इंसानी हुकूक जब हम बोलते हैं ना, तो हर इंसान के पास हक है, बराबर के हक है। जितने मेरे हक है उतने महाराष्ट्र के किसी भी मजदूर के भी वही हक है, जितने मेरे हक है उतने भी बाकी लोगों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सबके बराबर है। मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मैं एजुकेटेड हूं उसका मतलब ये नहीं कि मेरे कुछ ज्यादा हक है, या कोई मजदूर है उसका मतलब ये नहीं कि उसके कम है। इंसान के बराबर हक है, दुनिया जो बुनियादी हकूक है वो दुनिया में जो भी इंसान है उसको बराबर के हक मिले जाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा के लिए, ये नहीं कि मैं 10 साल तक अपने हकूक एंजॉय करूं उसके बाद मेरे हक छीन लीजिए, नहीं। इंसानी हकूक बराबर है, सब इंसान के हकूक, सब अफराद के हकूक बराबर है, और साथ ही ये हमेशा के लिए, जब मैं पैदा होता हूं मेरे हकूक उसके साथ जिंदा होते पैदा होते, और जब इंसान मर जाता है तो उसके हुकूक भी उस तक वहां तक रहते हैं। ये नहीं कि बस इंसान अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से में इन हुकूकों को तलफ़ या इनको एंजॉय कर सकते, नहीं, बल्कि इंसान के हुकूक हमेशा इंसान के साथ साथ है, ठीक है। ये एक आलमी सतह पर एक रिकॉग्नाइज की आर्ग्यूमेंट है कि इंसान के हुकूक उसके साथ पैदा होते हैं, वो उसके साथ हमेशा रहते हैं। अगर मैं आज मैं कश्मीर में रहता हूँ, कल मैं दिल्ली में रहूंगा, कल परसों में महाराष्ट्र में हो सकता है मैं काम करूंगा, रहने जाऊंगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे हुकूक चेंज हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि मैं एक जमहूरी मुल्क का बाशिंदा हूं, मेरे हुकूक मेरे साथ रहते हैं।
चाहे मैं अपने मजहब को बात करूं, चाहे मैं अपनी इंफरादी सियासी नजरिए की बात करूं, मेरे हुकूक साथ रहेंगे। इंसानी हुकूक का तस्वुर इस अकीदे पे मबनी है कि हर इंसान को बिला इम्तियाज हुकूक अपने हुकूक हासिल करने का, जो मैंने पहले ही कहा कि हर इंसान को अपने हुकूक हासिल करने का हक है। ठीक है, आप एजुकेटेड हो, आप एजुकेटेड ना हो, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आपके हुकूक बिल्कुल आप अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मर्द हो या औरत हो, एक खुद मुख्तार फर्द के तौर पे देखा जाता है। तो हुकूक जब हम बोलते हैं ना, ये वो चीज है जो इंसान को ये कहता है कि आप जी खुद मुख्तार हो, आपके पास ऑटोनॉमी है। क्या ऑटोनॉमी? कि आप अपने बारे में खुद देखो सही क्या है गलत क्या है। आज मुझे लगा था कि मैं बस में आऊं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आया, कल को मुझे जब लेक्चर देने आऊं मैं अपनी मर्जी से ट्रांसपोर्ट अवेल करूंगा, तो कोई ये मेरा हक है? कई बार आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका हक है। कई बार आप किसी जॉब से रिजाइन कर, ये आपका हक है। ठीक है, आज मैं कई कुछ खास तरह का किसी खास जगह घूमने, ये मेरा हक है। मैं अपने मजहब को अपने हिसाब से फॉलो, ये मेरा हक है। इसमें मर्द औरत जो है, ये जब हम हक बोलते हैं, ये वो चीज है जो एक इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको जो है खुद मुख्तार बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है, कि वो अपने बारे में सही गलत खुद देखे। जो फितरत की तरफ से बाज लोग ना तस्नीफ बुनियादी हकूक से नवाजा जाता है, कि ये इंसान ना कोई इंसानी हकूक को छीन सकता है। अगर आपकी स्टेट भी है ना, आपकी हुकूमत भी, वो भी आपके हकूक नहीं छीन सकते, ना कोई स्टेट की एजेंसी है। तभी जैसे हम हिंदुस्तान की मिसाल ले सकते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात है, उसमें कुछ हकूक तब भी आपके साथ, जैसे आपका जिंदा रहना, आपको जिंदा हक, जिंदा रहने का पूरा हक है, ये तब भी रह सकते हैं जब इमरजेंसी होगी। ठीक है, 1977 में जो इंदिरा गांधी की तरफ से इमरजेंसी शुरू, तो उस वक्त भी बहुत सारे हक जो है फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए, मगर कुछ बुनियादी हक जो इंसान के, वो उस वक्त भी इंटैक्ट थे। मतलब आप हर इंसान जिंदा रहना, तो ये देखा ना कोई स्टेट, ना कोई रियासत इसको छीन सकती, ना कोई इंडिविजुअल आपके हुकूक को छीन सकता है। ठीक है, हर जो किसी रियासत या हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हो, और इस आप ये हुकूक, साथ ही साथ ये कहा जाता है कि हुकूक जो है ये आपको इसलिए किए जा सकते हैं कि आपको के खिलाफ कोई इंसान जबरदस्ती ना करे, आपके खिलाफ कोई रियासत जबरदस्ती ना करे। ठीक है, मुझे वोट डालना है, मुझे अपनी मर्जी से वोट डालना है, क्योंकि मुझे हक है। अगर मेरा हक नहीं होता वोट डालने, तो शायद मुझे कोई खास पार्टी बोलती, जबरदस्ती किसी खास अलग पार्टी को वोट दिलवा, या कोई पार्टी बोलती नहीं जी आपका, आप वोट मत डालिए, या कोई इंसान बोलता नहीं जी आप स्कूल मत जाइए, आप कॉलेज मत जाइए। ठीक है, क्योंकि मेरे हक है, और ये हक वो चीज है जो मुझे, मुझ पे जो जो ज्यादती हो सकती है उसको रोकती है। हुकूक क्या है? ये वो चीज है जो आपको प्रोटेक्शन देती है, किस चीज से? किसी स्टेट या नॉन स्टेट एजेंसी के जबरदस्ती से। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है कि आपके खिलाफ ना कोई इंसान, ना कोई एजेंसी, ना कोई स्टेट जबरदस्ती कर सकता है। तो ये एक तरह से एक प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन का दूसरा मतलब यहाँ पे क्या है? हक। मैं हक, मुझे हक है, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन है, मुझे कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं किया, मुझसे नहीं किया जा सकता। इंसानी हकूकों को हम इंसानी वकार के लायक वजूद के लिए इब्तदाई शराइत। हकूकों का मतलब ये भी है कि ये वो चीजें हैं, ये वो कंडीशंस हैं जो बुनियादी जरूरी है, किस चीज के लिए? एक रेस्पेक्टेबल डिग्निफाइड लाइफ गुजारने के लिए, जिंदगी गुजारने की। आप एक डिग्निफाइड रेस्पेक्टेबल लाइफ, जिंदगी तभी गुजार सकते हैं जब आपका हक है। ठीक है, तो ये उसकी एक बुनियादी जरूरत भी है। हुकूक क्या चीज है? ना सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि आप एक रेस्पेक्टेबल लाइफ गुजारने के लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, आप उस हिसाब से भी हक का माने निकलता है कि इंसान एक डिग्निफाइड रेस्पेक्टेबल लाइफ तभी गुजार सकते हैं उसके हुकूक। इस सिलसिले में इंसानी हुकूक के हवाले से जिन अहम, आप ये डिग्निफाइड लाइफ को थोड़ा मैं इलाबरेट करता हूँ कि इनकी बुनियादी जो नुकात है वो क्या है। इंसानी हुकूक आलमगीर है, यानी ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और इनका ताल्लुक दुनिया के हर फर्द से है। जब हम कहते हैं ना डिग्निफाइड रेस्पेक्टेबल लाइफ, तो पहली शराइत, पहली बात क्या है? पहला नुकता ये है कि इंसान हुकूक जो है रिकॉग्नाइज किए गए दुनिया भर में। जब कोई फॉरेनर हिंदुस्तान आता है,
तो हम थोड़ी उसको बोलते हैं आप किसी दूसरे मुल्क को तो आपको जीने का हक नहीं है। नहीं, हम उसको तकरीबन सभी इंसानी हकूक देते हैं, सिर्फ उसको यही क्योंकि वो दूसरा मुल्क मुल्क से आया है, इसलिए उसकी कुछ चीजें जो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है उसमें कुछ किसी हद तक जो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, मगर बाकी वो अगर जैसे अमेरिका से कोई क्रिश्चियन आए हम उसको थोड़ी बोल सकते हैं नहीं आप क्रिश्चियन ना माने यहाँ क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस ना करें, नहीं, क्योंकि ये उसका बुनियादी है। हम उसको थोड़ी बोल सकते हैं ये खाना मत खाइए वो कीजिए, हम उसको थोड़ी बोल सकते हैं आप यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में ना पढ़े, नहीं, ये उसका दुनिया हक है, तो ये दुनिया की दुनिया ने रिकॉग्नाइज आलम दुनिया ही लेवल पे रिकॉग्नाइज, इसलिए हाँ कुछ महदूद चीजें हैं उसके लिए क्योंकि वो बाशिंदा नहीं, मगर अगर वो इंडियन सिटीजन बन गया तो उसके वो सारे हकूक मिलते हैं जो मुझे मिलेंगे। तो इंसानी हकूक रिकॉग्नाइज किए गए दुनिया पर दुनिया के लेवल पे और हर फर्द के लिए बराबर है, इंसानी हकूक नाकाबिल तस्नीख है और इन्हें रियासतें इसके इदारे लोगों से दूर या इनकार नहीं कर सकते। इंसानी हकूक वो है जो आपको कुदरत की तरफ से दिए गए, जो मैं पहले भी बोल रहा था आपको कि ये वो चीज है जो आपके साथ पैदा होते हैं, जब आप लोग पैदा हो गए मैं पैदा हूं तो मेरे साथ बंच ऑफ राइट्स जो है जिनको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं वो भी पैदा हुए थे, तो जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे हक भी पैदा हुआ था, कौन सा हक, पहला जिंदा रहने का, तो भी आज एबॉर्शन काफी हद तक जो है अगर खुदा न खास्ता प्रेग्नेंट लेडी को कुछ बच्चा नॉर्मल है तो वो उसको उसको उसका अबॉर्ट करने का कोई हक नहीं, जैसे हिंदुस्तान में एक कानून है कि आपको जिंस यानी जेंडर देखने का कोई, क्योंकि यहाँ पे एक मसला हुआ था कि लड़कियों को मार देते, तो रियासत हिंदुस्तानी रियासत नहीं, ये तो चाहे वो लड़का हो उसको जब वो माँ के पेट में पैदा होता है तो उसका हक है जीने का, तो आप उसको ये हक नहीं छीन सकते हो, तो इसी लिहाज से कहा जाता है कि ये वो हक है जो रियासत आपको आपसे नहीं छीन सकती, ना कोई इंसान ना कोई रियासत की एजेंसी आपसे छीन सकता है, जो पैदा होने का, जिंदा रहने का, खाने पीने का, मजहब को अपने हिसाब से चलाने का, अपने ख्यालात को इजहार करने का, ये सब आपकी बुनियादी हक है। तीसरा, इंसानी हकूक नाकाबिल तकसीम है और एक दूसरे पर मुनसर है, यानी इंसान जो जितने मेरे हक हैं वो सब ये इंडिविजिबल है, ये नहीं कह सकता हूं कि कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको ये तीन हक दिए दूसरे बंदे को या आपके हक मैंने ट्रांसफर किए, नहीं, ये इंडिविजिबल है, इनको तकसीम नहीं किया जा सकता, जो मेरे हक है मेरे, जो दूसरे के हक है वो उसके बराबर हक है, और हर इंसान के लिए किसी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए जरूरी है। ये हक अब क्या है, ये वो चीज है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा माहौल है जो इंसान की तंदुरुस्ती उसकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए जरूरी है। जब मुझे हक दिए मिलते हैं तब मैं पढ़ सकता हूँ, जब मुझे हक है तब मैं अपने ख्यालात का मुजाहरा कर सकता हूँ, जब मैं मुझे हक है तब मैं जी सकता हूँ, ठीक है, तब मैं सोच सकता हूँ कि मुझे हक है इसलिए मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, उस पढ़कर मैं अपनी जो जहनी ताकत उस सलाहियत उसको आगे ले जाता, तो ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे इंसान की ना सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा होती है बल्कि उसकी जहनी नशोनुमा भी होती है, उसकी जहनी ताकत भी बढ़ जाती है, ठीक है, ये एक कंडीशन वो है जिससे इंसान जिस्मानी और जहनी चीजों को लेकर इम्प्रूव कर सकता है, उनकी नशोनुमा हो सकती है। हुकूक का तस्वुर ताकत के गैर जिम्मेदाराना और मनमानी इस्तेमाल की रियासत, ये एक डेफिनेशन, आप ये मुझे उम्मीद है आपने बुनियादी जो हुकूक है उसका मतलब समझेंगे। हक क्या है, ये वो चीजें हैं, इसकी कोई शक्ल नहीं है, आई कैन नॉट, मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूं ये जो हक है, नहीं, ये वो कंडीशंस है जो आपको एक इंडिपेंडेंट बनाती है, ये वो कंडीशन है जो आपको एक खुद मुख्तार फर्द के तौर पे सोचने की ताकत देती है, ये वो कंडीशन है, ये वो माहौल है जिसकी बुनियाद पे आप अपने हिसाब से अपने बारे में सही और गलत देखते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है, ऐसा नहीं कि मैं ये कोई सर्टिफिकेट है या कोई कोई आइटम है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो आपको दिया जाए ये जी आपका है, नहीं, बल्कि क्या है, कंडीशन है, माहौल है जहां पर आप अपने बारे में फैसला खुद करते हो, चाहे वो जीने का फैसला, चाहे वो खाने पीने का फैसला, चाहे वो काम करने का फैसला, चाहे वो
बाकी चीजों को लेकर फैसला, आपकी शादी से लेकर आपके जीने, शादी, खाना पीना, मजहब, ये एक उन कंडीशन होती है जो 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 आपको ये ताकत दे दी कि आप इन चीजों को लेकर खुद फैसला करें। ठीक है, सिर्फ ये चीज जहन में रखनी है कि मेरे हुकूक, जब मैं अपने हुकूकों को बारे में बोलता हूँ तो मुझे ये ख्याल दूसरे के भी हुकूक है। जैसे मैं हमेशा से एक मिसाल देता हूँ, मुझे हक है गाड़ी चलाने का, जब मैं चलाता हूँ अपने साइड से चलाऊंगा, मुझे कोई ये नहीं बोलेगा आप क्यों गाड़ी चला। हाँ, अगर मैंने रॉन्ग साइड से गाड़ी चला तो मैं दूसरे के हक की तलफी करता हूँ, हक तलफी करता हूँ, मैं दूसरे के लिए हक को, गाड़ी चलाने का हक को दुश्वार बनाता हूँ, मुश्किल बनाता हूँ। इसलिए वो तो राइट्स कम विद ड्यूटीज, राइट्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरा जब हक है तो मुझे ये भी ख्याल रखना है दूसरे इंसानों के भी हक। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में कहते हैं जो ना एक अहम, कुछ अहम जो इनको और थोड़ा समझने में हमें मदद मिलेगी। मैक आइवर एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक फिलोसफर थे, उनका मानना है कि हुकूक का तसव्वुर ताकत के गैर जिम्मेदारान मनमानी इस्तेमाल के खिलाफ हमें ये रोकता है। हक क्या है? ये वो चीज है जो रियासत को रोकती है कि लोगों के साथ वो जबरदस्ती ना करें। ठीक है, आज मुझे कोई हुकूमत ये नहीं बोल सकती आप पढ़ो मत या आप ये काम मत, क्योंकि मेरे हक है। तो मैं कायदा का मानना है कि ये वो कंडीशन, ये वो ताकत है जो हर इंसान को ये ताकत देती है कि वो किसी की जबरदस्ती, किसी का जाबराना हरकत से आपको प्रोटेक्ट करती है। समझ, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हो इस बात को। तो क्या है, एक प्रोटेक्शन है। टी एच ग्रीन एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, उसने कहा कि हक एक ऐसी ताकत है जिसका दावा किया जाता है और इससे मुश्तरक भलाई में शरकात के तौर पे तस्लीम किया जाता है। ये वो चीज है जो ताकत आपको ताकत देती है और मुश्तरक भलाई में शरकत, इससे क्या होता है, सबकी भलाई होती है, सबका बेहतर होता है। तो अगेन थोड़ा बहुत ये कंडीशन की तरफ हमें ले जाता है कि एक ऐसा माहौल है जहां पे इंसान को ताकत मिलती है और वो सबके लिए जरूरी है। ठीक है, और मुझे साथ ही साथ ये भी है कि मेरे तस्लीम किया जाता है, मेरी एग्जिस्टेंस को तस्लीम किया जाता है। जब मुझे हक है तो मैं, इसका मतलब ये है कि मेरी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और ये सबके लिए आगे बढ़ने का जरिया है। हेरल लॉस की ने कहा है कि हुकूक को सामाजिक जिंदगी के इन शराइत से ताबीर किया जा सकता है जिनके बगैर भी कोई भी इंसान आमतौर पर अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश नहीं कर सकता। हेरोल्ड लास्की का क्या मानना है, हुकूक आपको सामाजिक जिंदगी में वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसके बगैर आप अपने लिए बेहतर नहीं कर सकते। जब मेरे हुकूक है तभी मैं पढ़ूंगा, तभी मैं अपनी मर्जी से आगे ले जाऊंगा। जब मेरे हुकूक में मैं अपनी जहनी सलाहियत को एक्सप्लोर कर सकता, जो मेरा पोटेंशियल है। अगर किसी को हक, अगर टेंडुलकर, सचिन टेंडुलकर को हक नहीं दिया जाता तो वो आज दुनिया के बहुत बड़े क्रिकेटर्स में नहीं गिने जाते। उसको हक था कि अपनी मर्जी से वो काम, वो जो चाहता था खेलना चाहता कि उसको हक दिया, उसको पूरी कंडीशन दी, वो क्रिकेटर बन गए और आज वो दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर माना जाता है। या आप धोनी की बात कीजिए, उसको हक था कि वो, उसका मन, उसकी मर्जी थी कि वो क्रिकेट में हिस्सा ले, क्रिकेट खेली, उसको जब हक था तभी वो आगे बढ़। या दुनिया के आप बहुत बड़े साइंटिस्ट की बात कीजिए, आप छोड़िए आप साइंटिस्ट, आप दुनिया के लीडर या हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स जो है हमारे, उनकी बात कीजिए, उनको जब हक था तभी वो आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इन, तो हेरोल्ड लास्की का ये आपकी बेहतर, जो आपको बेहतर बना सकती है, ये वो कंडीशन है, शरायत जो समाज में आपको आगे ले जाने में काम आती है। और आपके अंदर जो सलाहियत है, चाहे आप एजुकेटेड टीचर की सलाहियत हो, साइंटिस्ट की सलाहियत हो, क्रिकेटर की सलाहियत हो, फुटबॉल की सलाहियत हो, या कुक, एक दुनिया के हिंदुस्तान में बहुत बड़े कुक भी है, उनकी सलाहियत को आग एक्सप्लोर करने में उनको मदद करता है। तो मैं अपने अंदर जो मेरी खास चीजें हैं उनको तभी एंजॉय कर सकता, तभी एक्सप्लोर कर, उनका तभी फायदा उठा सकता जब मेरे पास हक है। ठीक है, आज हम देखते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे या दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पायलट है। ठीक है, वो क्यों, किस तरह से उन, वो तभी वो साइंटिस्ट और पायलट बने जब उनको हक दिया कि वो भी पढ़े। हमने देखा होगा रिसेंटली एक न्यूज आई थी सोशल वेबसाइट पे, कि महाराष्ट्र की एक 24 साल लड़की ने यूक्रेन से स्टूडेंट जो फंसे थे वहां से लाया था। अब ये लड़की, पहले एक जमाना था कि लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं था, इसलिए वो
अगर आज भी वैसा होता तो ये लड़की पायलट स्कूल नहीं जाती, ये पायलट ही नहीं बनती। तो इसके अंदर जो सलाहियत थी पायलट बनने की, ये दब जाती उसके अंदर। ठीक है, तो हेरोल्ड लास्की का यही मानना है कि ये हमें फैसिलिटेट करते हैं अपने अंदर जो बेहतर चीजें हैं वो उसको आगे बाहर निकालने। अर्नेस्ट बार्कर का कहना है, इंसानी हुकूक इंसानी शख्सियत को सलाहियतों के मुमकिन तरक्की के लिए जरूरी है। ये काफी ज्यादा, ये डेफिनेशन काफी ज्यादा हेरोल्ड लास्की के डेफिनेशन से मिलती है कि ये वही चीज है जो आपके अंदर और बाहरी सलाहियतें हैं उनको बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है, तो वही मिसाल पे लड़की को अगर पढ़ने का, आज प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट थी, अगर जो पहले जमाने में हुआ था दुनिया के बहुत जगहों पे, और कि लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं था, तो वो उनको वो उनकी सलाहियत जो आ गई वो उनको उनका फायदा नहीं उठा सकती। ठीक है, आज हमारे कैबिनेट में देखिए कुछ औरतें हैं, और वो फाइनेंस मिनिस्टर की बात कीजिए, हम हिंदुस्तान की फाइनेंस, वो भी औरत। अगर उसको एक जमाने में था कि औरतों को हक नहीं था स्कूल जाने का पढ़ने, अगर वो होता आज भी, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की सलाहियत जो है, फाइनेंस मिनिस्टर की बनने की सलाहियत, एक लीडर की सलाहियत, वो दब जाती। तो वही है अर्नेस्ट बार्कर हेरोल्ड लास्की का, ये आपके पोटेंशियल को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। ठीक है, ये तीन अहम डेफिनेशंस में, चार तीन चार चार डेफिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर की। अब इंसानी हकूक इंफरादी है और इज्तिमाई हकूक का एक मजमुआ। इंसानी आप ये हक जब हम बोलते हैं, ये कुछ हक हमारे इंफरादी है और कुछ बहुत सारे हक हमारे इज्तिमाई हक होते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के खास हकूक है, ट्राइबल कम्युनिटी के खास हकूक है। ठीक है, कुछ हक जो आपको इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे दिया जाता है, और कुछ हक जो आपकी कम्युनिटी को मिलते हैं। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कहा गया है कि उसने इन हकों को बहुत तहफुज अता किया, और उन्होंने दो अहम कन्वेंशन पास किए। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं शहरी और सियासी हकूक, और दूसरा इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स, जो उनको हम उर्दू में बोलते हैं इक्तिसादी समाजी और सकाफती हकूक। ठीक है, जो इंफरादी और इज्तिमाई हकूक जो है, हर इंसान के कुछ ऐसे हकूक है जो सिर्फ उसको बहसित इंसान एक इंडिविजुअल दिए जाते हैं, कुछ हकूक उसको इसलिए भी मिलते हैं जो उसको किसी खास कम्युनिटी का हिस्सा, क्योंकि वो किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, उसको मिलते हैं। ये कहाँ से आया है? ये 1948 में जो यूएनओ में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वजूद में आया, उस डॉक्यूमेंट में दो हकों को दो तरह से दिखाया गया, इंफरादी और इज्तिमाई हकों, और साथ ही साथ क्या, कुछ हकूक ऐसे जो आपको जो सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स है, सियासी हकूक है, शहरी हकूक, कुछ ऐसे जो आपके इकतसादी समाजी और सकाफती पे मुश्तमिल है। ठीक है, ये वही है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो तीन दो अहम कन्वेंशन आए हैं। आज हम दुनिया भर में, आज जब हम मनाते हैं इंटरनेशनल, हर 10 दिसंबर को ये जो है ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अब हम ये, मैंने अभी तक सिर्फ आपके साथ हुकूक किसको हम बोलेंगे, कुछ चार डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको बोला, ये चीजें। अब मैं तीसरे हिस्से पे आता हूँ, जिसमें हम कहेंगे कि ये वजूद, इनका वजूद कहाँ से आया, हकूकों की इब्तिदा और इर्तिका, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ राइट्स। आज कोई भी आप किसी को बोले, आज आप अगर किसी लड़की या किसी खास मजहब के बंदे या किसी खास कलर जिन्स के बंदे को ये बोल सकते, बोलेंगे कि आपका हक नहीं, वो बोलेंगे क्यों नहीं, मेरा तो हक है। ये बात कहाँ से आई, ये हकूक कहाँ से, क्योंकि 20th सेंचुरी तक लोग, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज थे, बहुत औरतें ऐसी थी जिनको हकूक ही नहीं थे। आज जो यूरोप, अपने आप को बहुत बड़े यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं ना, हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, आपको ये जानकर ताजुब होगा कि वहां पे 20th सेंचुरी तक बहुत ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थे जहां पे हुकूक औरतों को नहीं दिए जाते थे, उनको प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे, उनको वोट डालने का हक नहीं था क्योंकि वो औरतें थी। तो ये फिर कहाँ से शुरू हो गया, और एक जमाना ऐसा था जब गुलामों को भी हुकूक नहीं थे, सिर्फ खास एक एलीट क्लास था जिनको हक मिलते थे। तो ये हुकूकों की इब्तिदा और इर्तिका कहाँ से शुरू हुआ, ये अकीदा है हर एक, ये कह रहा है कि हर कोई इसकी इंसानियत की वजह से कुछ इंसानी हकूक का हकदार है। आज हम, जो पहले भी मैंने बोला था कि आज हम
बिलाशुबा ये बात मानते हैं कि हर इंसान के पास हुकूक है, जो भी इंसान है उसके कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक है, ठीक है। ये 20th century में ये पूरी तरह से सामने आया, ये बात सामने हमारे सामने कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, या कोई और जिन्स का हो, या कोई और स्किन कलर हो, उसको हुकूक है। ये तो पूरी मिड 20th century से आया, मगर इसकी जड़ें जब हम देखते हैं ना, इसकी शुरुआत कदीम जमानों से आती है, इसकी शुरुआत कई सकाफतों से निकलती है, इसकी शुरुआत कई दस्तावेज से हमारे सामने आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि पहले अचानक से एक लावा फट गए और वहां से हुकूकों के लिए एक डॉक्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट पेश है, नहीं, इनकी शुरुआत बहुत पहले हुई और ये पूरी तरह से शक्ल में तब आए जब 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आया, जब यूनिवर्सल यूएनओ के मेंबर्स ने इनको तस्लीम किया, मगर धीरे धीरे आते गए, ठीक है। ये अचानक से नहीं आया, आज हम बोलते हैं यू हैव फंडामेंटल राइट्स, यू हैव ह्यूमन राइट्स, यू हैव राइट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, कलर, स्किन वगैरह, इनकी ये आज हम तभी बोल सकते हैं जब इनकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, ठीक है। हुकूक का असल तसव्वुर जब हम देखते हैं ना, मुख्तलिफ फलसफियाना, कानूनी और मजहबी जराए से तलाश किया जा सकता है। जब हम देखते हैं कई दफा कुछ हुकूक ऐसे हैं जो जिनको किसी फिलोसफर ने की बात की, कई हुकूक ऐसे हैं जिनको किसी कानून की वजह से वजूद में आए, कई हुकूक ऐसे हैं जो किसी खास मजहब की वजह से वजूद में आए, ठीक है। हिस्ट्री अगर हम देखेंगे इनके इर्तिका के बारे में, तो हमें एक अहम चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं साइरस सिलेंडर। ये साइरस सिलेंडर में एक ऐसे हुकूक जो कदीम जमाने में एक वक्त था जब साइरस द ग्रेट जो है उसने कब्जा किया आज के बगदाद पे, तो वहां पे उनके गुलाम थे, उसने उनको पूरी छोड़ दी कि आप गुलाम नहीं हो, आप आजाद। तो इसीलिए साइरस सिलेंडर का एक अहम जिक्र आता है जब हम हुकूकों की या इनके ऑरिजिन के बारे में बात करते हैं, साइरस सिलेंडर एक और अहम जिक्र होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें लोगों को दी जो उस वक्त नहीं दी जाती थी, खासकर गुलामों को नहीं दी जाती, मगर उसने उस पर बगदाद पे कब्जा किया, फिर वहां के जो लोग थे, लोकल बाशिंदे थे, उनको पूरा हक दिया था। तो ये साइरस सिलेंडर, उसमें वो चूंकि उसमें मशीनरी थी, इंडस्ट्रियल अभी पब्लिश वगैरह लिखाई उस तरह नहीं थी, तो उतनी जो भी चीज हुकूक देते उसने वो एक सिलेंडर, एक मिट्टी के सिलेंडर पे लिखी थी, मिट्टी सिलेंडर की शक्ल की एक चीज थी उस पे लिखी थी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइरस सिलेंडर। और ये यूएनओ के आज 6 languages में इनको ट्रांसलेट किया गया। दूसरा अहम जो है, जब हम इर्तिका की बात, दूसरा हम कहते हैं मैग्ना कार्टा, जो मैग्ना कार्टा 13th century की शुरुआत में हुआ था, 13वीं सदी की शुरुआत में यूके में, आज जिसको बर्तानिया में जिसको हम कहते हैं, वहां से वो मैग्ना कार्टा था। क्या था? ये एक इलहाक था लोगों के दरमियान और बादशाह के दरमियान, और उसमें क्या कहा था, ये इसके तहत बहुत सारे हुकूक लोगों को दिए थे जो उनके पास नहीं थे तब तक, ठीक है। चार्टर के तहत कुछ नुमाया इंसानी हुकूक दिए गए थे लोगों को, जैसे उस वक्त हुकूमती मुदाखलत, जैसे उस वक्त ये कहा गया था कि चर्च को हुकूमती मुदाखलत से चर्च को आजादी गई थी, कि चर्च जो है या क्रिश्चियनिटी जो, उसको हुकूमत अपने हिसाब से नहीं, मुदाखलत उसमें नहीं करेगी, कोई मजहब का ताल्लुक रखता हो, एक तरह से हम इसको बात ये बोल सकते हैं कि मजहब के मामलों में हुकूमत हिस्सा नहीं लेगी, उनमें मुदाखलत नहीं करेगी। दूसरा, तमाम आजाद जो भी लोग वहां पे आजाद थे उनको प्रॉपर्टी का हक दिया गया था, और जो है बेवाओं यानी विडोज को भी यह हक दिया था कि वो प्रॉपर्टी राइट्स थे उस वक्त, क्योंकि 13th century के आसपास जब हम बात करते हैं बर्तानिया की, उस वक्त बहुत सारे हुकूक लोगों के पास नहीं थे, विडोज के पास नहीं थे, विडोज को तभी जरूरी था कि वो शादी करने के बगैर उनके पास चारा नहीं था, ठीक है। तो अगर कोई शादी नहीं करना चाहती तो उसको फिर प्रॉपर्टी का हक, तो वो हमेशा फिर दूसरे पे डिपेंडेंट थी, तो उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको क्या कहा, विडोज को भी हक दिया गया वो प्रॉपर्टी रख, अगर किसी का कोई विडो बन गई तो वो शादी नहीं करेगी अपनी मर्जी से, चूंकि उसके पास अब प्रॉपर्टी हक है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को चला सकती है, इंडिपेंडेंट रह सकती है, तो उसकी वो डिपेंडेंस को खत्म किया गया।
मैग्ना के अटैक के बारे में ख्याल ये कहा जाता है कि वो वसी तारीखी अमल पर जो ना एक बहुत बड़ा, इसको हम मैग्ना कार्टा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे हकूक लोगों को दिए गए जो तब तक नहीं थे बरतानिया के बाशिंदों के लिए, ठीक है। तो इसको हम आज बहुत अहम डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। और अगर हम मॉडर्न ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट की बात करें तो मैग्ना कार्टा का बहुत बड़ा रोल है इसको वजूद में लाने का। हालांकि बहुत सारे हकूक उसमें भी नहीं थे, जैसे औरतों को वोट डालने का हक नहीं था वगैरह, मगर कुछ हकूक ऐसे अहम इसमें इनका जिक्र है जो फिर आगे राइट्स को आगे ले जाने में बहुत अहम उनका रोल था, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा एक अहम चीज है। जब हम इर्तिकाए इब्तिदा की बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, मैग्ना कार्टा का जिक्र हमेशा से ही अहम माना जाता है, ठीक है। दूसरा जो है, 16th-17th century में बहुत सारे ऐसे निज़ाम थे, ऐसे फिलोसफर्स जो है जिन्होंने हक की बात, हुकूक, इंसानी हकूक की बात की, जिसमें अहम जिक्र जो है थॉमस हॉब्स का है, जॉन लॉक का है, और रोसो या जेम जेक्स जेक्स रोसो वगैरह जो है उन्होंने इनकी बात की। अगर आपने पढ़ा होगा हॉब्स वगैरह ने, उसने भी कहा था कि खुद एक जब उस वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर, वो कहता है कि उसमें लोगों के पास सबके पास हक है, ठीक है। जॉन लॉक कहता है कि इंसान हमेशा से पैदा होता है तीन हक के साथ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। यानी वो इंसान जब पैदा होता है, तो ये 16th-17th century की बात है, जॉन लॉक का मानना ये था कि इंसान पैदा होता है हकूकों के साथ। तो उसके एक बुनियादी हकूक क्या है, जीने का हक, राइट टू लाइफ, लिबर्टी उसकी आजादी कि वो अपने हिसाब से अपने बारे में सही गलत सोचे, और राइट टू प्रॉपर्टी कि वो प्रॉपर्टी को ना सिर्फ हासिल करे बल्कि प्रॉपर्टी का यह मतलब है कि वो मुनाफा कमाए, वो बिजनेस करे, ठीक है। और यही कंसेप्ट जो आगे आज हम देखते हैं ना राइट्स, खासकर लिबरल सिस्टम में, तो ये बात, यही बात बुनियाद बनी आज लिबरल सिस्टम्स में, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक जब हम हकूक की बात करते हैं, तो बुनियाद कहाँ से, जॉन लॉक की इसी कंसेप्ट के, इंसान जो है पैदा होता है तीन हकूक उसके साथ पैदा होते हैं, लाइफ, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी, यानी जीने का हक उसके साथ आता है। जब मैं पैदा हो तो मुझे ये हक हमेशा से ही था, तब से ही था कि मैं जीऊँ, खुदा ना खासा किसी को मुझ पे हमला मारने का हक नहीं है, ठीक है। कोई मुझे नहीं मार सकता क्योंकि ये मेरा हक है, मुझे कोई मुझे ये नहीं कह सकता आप जायज तरीके से प्रॉपर्टी या मुनाफा ना कमाओ, ठीक है। मुझे इंडिपेंडेंस है, मैं अपने हिसाब से अप सोचू, अपनी आइडियोलॉजी को तरजीह दू, ये मेरा हक है। तो यही जॉन लॉक का मानता है, इंसान तीन हकूक के साथ पैदा होता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, और खासकर रूसो का जो है अहम, उसने जो हकूकों की बात की जिसका हम मैंने जिक्र किया मैग्ना कार्टा से, उसने इसको और आगे लिया, ठीक है। उसने ये बात कही कि इंसान को हक देने वाला कुदरत है, ना कि कोई स्टेट। स्टेट आपको हक नहीं देती है, ये जॉन लॉक, बल्कि ये आपको कुदरत की तरफ से, स्टेट तो सिर्फ रखवाली करने के लिए। फिर इसके बाद कई सारे और मुफक्किरीन आए, बहुत सारे और डेवलपमेंट्स हो गए, जैसे अमेरिकन इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया वजूद में, उस उन्होंने भी इनको हकूकों को और ज्यादा रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। तो उन्होंने हकूकों के बारे में और ज्यादा बात की, उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया। आप पढ़िएगा, मेरा आप पे इस बात पे जोर है कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखिए, वहां पे भी हकूकों की, बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक पे जोर दिया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी बल्कि इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे बहुत सारे, यानी मेजॉरिटी लोगों के लिए हकूक, बहुत सारे इंसानी हकूक नहीं थे। यू अमेरिकन इंडिपेंडेंस एक्ट जब, तब वहां पे भी इंसानी हकूकों की बात की तमाम। अगर आप देखेंगे इंडियन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा है कि तमाम मर्दों को मसावी पैदा किया गया, यानी हर इंसान बराबर पैदा हुआ, ठीक है। और किस और वो साथ साथ जो हक, कुछ हकूक का के हकदार भी है। इंसान के पास आजादी है, ठीक है, उसको खुश रहने की आजादी है, जिंदा रहने की आजादी है। तो यूएस इंडिपेंडेंस एक्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये आगे लेते गई, जो डिस्कोर्स था, जो बात चली थी मैग्ना कार्टा से हकूक, वो आगे बढ़ते गए, और ये जो रिकॉग्निशन मिल रही थी ये और ज्यादा स्ट्रांग होती गई, ये जो और ज्यादा मजबूत हो गई ये बात कि इंसान हकदार है बहुत सारी चीजों का।
उसके बुनियादी हक हैं, वो उसको इसलिए मिलते हैं, वो सिर्फ एक इंसान, न कि वो किसी खास मजहब या किसी खास क्लास से ताल्लुक रखता है। ये बात और ज्यादा आया हो गई, और ज्यादा मजबूत बनती गई, मगर अभी भी ऐसे जगहें थे, अभी भी ऐसे ऐसे लोग थे, अभी भी ऐसी रियासतें थी जहां पे बहुत सारे लोगों को हक नहीं दिया जाता था, जैसे औरतों को नहीं दिया था, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत जगहों पे नहीं दिया जाता, या खास किस्म के जिन्स के लोगों को, या खास किस्म के रंग के लोगों को नहीं दिए जाते थे। मगर बात चल रही थी और ज्यादा इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। फिर इसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसके बाद और कुछ अहम फिलोसफर्स मुफक्किरीन आए, जिसमें 19वीं सदी के दौरान सियासी फिलोसफर, जिसमें थॉमस पाइन, जॉन स्टॉट मिल, इमैनुअल कांट, GWF हीगल वगैरह, TH ग्रीन ने, जिसकी मैंने एक डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की, शेयर की, वो सब इस बात को और ज्यादा लेते गए, और ज्यादा इन पे जोर दिया गया, जैसे जस्टिस के बारे में वो ज्यादा, उसी तरह से ये लोगों का रोल भी था कि हकूकों की बात को और ज्यादा मजबूत करें, और दुनिया की सभी रियासतें जो है इस बात को तस्लीम करें कि इंसानी हकूक हर इंसान पे मबनी, इंसानी हकूक हर इसके लिए बराबर है, इंसानी हकूक ये कहते हैं कि किसी को कलर वगैरह के बुनियाद पर इम्तियाज नहीं किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना, ये लोग इस बात पे जोर देते गए, ठीक है। और फिर जो अहम चीज जो है इर्तिका और इब्तिदा के बारे में, यू नो, ये डेवलपमेंट एवोल्यूशन की, ह्यूमन राइट्स के एवोल्यूशन के बारे में, फिर इसको जो इंटरनेशनल, तब तक बहुत सारे, चाहे आप TH 27 जॉन लॉक्स की बात कीजिए, या उससे पहले थॉमस हॉब्स की बात की, TH ग्रीन, ये सब जो है अपने अपनी जगह पे, जहां पे वो रहते थे, जिस मुल्क के वो, वहां पे ज्यादा जोर देते थे। अभी बहुत सारे मुल्क इनको नहीं मानते, क्योंकि हर मुल्क का अपना हिसाब था कि नहीं जी, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। तो जो 1948 में UNO की तरफ से UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वजूद में आया, तो आलमी सतह पे पहली बार इंसानी हकूक रिकॉग्नाइज किए, यानी दुनिया भर के जितने भी मेंबर कंट्रीज थे UNO के उस वक्त, उन्होंने इस बात को, या उसके बाद जितने भी मेंबर कंट्रीज बने, इस बात को तस्लीम किया कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि इंसान के पास कुछ बुनियादी इंसानी हकूक है। तो एक दफा, एक ही बार बैन अल-अक़वामी सतह पे पहली बार इस बात को माना गया, तस्लीम किया गया कि इंसान के पास बुनियादी इंसानी हकूक है, वो इसके पास इसलिए है क्योंकि वो एक इंसान है, बाकी कोई जरूरत नहीं है, आपको एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं, आपको बहुत बड़ा आदमी, अमीर होने की जरूरत नहीं उस चीज के लिए, ठीक है। ये बात उसी वक्त तस्लीम हो गई कि हर इंसान हक, हर इंसान के पास कुछ बुनियादी इंसानी हकूक है, और इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो इंसान है, नए सिर्फ स्टेट की, नए स्टेट देती है, नए कोई और एजेंसी देती है, नए कोई शक्ल, बल्कि ये इंसान जो है इसको अपने साथ लाता है जब वो पैदा होता है। तो ये कब, 48 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जब ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, तब ये बात दुनियाई आलमी सतह पे रिकॉग्नाइज की गई। तो इसीलिए जब हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो ये एक अहम डॉक्यूमेंट है आज दुनिया भर में, जो और जितने भी जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशंस है, चाहे हम भारत की बात कीजिए, चाहे हम US की बात कीजिए, फ्रांस की बात, वहां पे जो राइट्स दिए गए हैं वो काफी ज्यादा उनकी कंपेटिबिलिटी किससे है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जितने भी हुकूक जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में है, वो सभी हुकूक आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया भी इस बात को रिकॉग्नाइज करता है, बिकॉज इंडिया जो है इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये एक अहम डॉक्यूमेंट वजूद में है, जिसको जब हम आज कहते हैं ना मेरे हकूक है, और इसने साथ साथ उन चीजों को भी खत्म किया है कि औरत और मर्द के दरमियान जो डिफरेंस था, औरत को वोट डालने, इस बात को, गुलाम को वोट डालने का हक नहीं था, उसको भी खत्म किया, यानी इसने सबको बराबर किया इस डॉक्यूमेंट में। ये बात पूरी तरह से इस बात पर जोर दिया कि सब इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसका कलर जो भी हो, ये माने नहीं रखता है। तो सिर्फ एक बात माने, ये इंसान है और इस और इसके पास हुकूक है। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन बहुत अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसने ह्यूमन राइट्स को, यानी इंसानी हुकूकों को बहुत ज्यादा मजबूत किया। आज आप किसी लड़की को ये नहीं बोल सकते आप घर बैठिए आपको पढ़ना, क्योंकि वो, उसके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ने हक दिया, उसके पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है, ठीक है।
यूरोप चार्टर पहला बैन अल-अक़वामी मुआहदा है, जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, ये पहला बैन अल-अक़वामी मुआहदा है जो इंसानी हकूक को तस्लीम करता है। इस तारीखी एक्ट के बाद असेंबली ने तमाम रुकन ममालिक से मुतालबा किया कि वो अपने मुल्क में जो है इन हकूकों को यानी इम्प्लीमेंट करें और इसको बुनियादी तौर पे स्कूल और दीगर तालीमी इदारों में फैलाया जाए। तो ये हकूक जो है डॉक्यूमेंट है, ये फिर जितने भी उन्होंने इस चार्टर पे इस एक्ट पे साइन किया, वो फिर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने अपने मुल्क में जो है इन हकूकों को इम्प्लीमेंट करें, कायम करें। हिंदुस्तान चूंकि एक मेंबर कंट्री इसलिए वो भी एक इस बात पे उसने तस्लीम किया, और आज हम हिंदुस्तान में इतने सारे हकूक हैं इसी वजह से, क्योंकि ये इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ सिग्नेटरी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तभी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को कहा जाता है इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जिंदा दस्तावेज। पिछले सालों में अक्वामे मुत्तहिदा ने इंसानी हकूकों के तकरीबन 100 जो है इलाक या को मनाया है। तो दूसरे ठीक है, आज फिर उसमें जितने भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 में आए थे उसमें एडिशन होता रहा है। उस वक्त जब 48 जब था तब बहुत सारे जो रिफ्यूजी की बात नहीं थी, तो फिर रिफ्यूजी के बारे में हुकूक है, बच्चों की बात नहीं थी, बच्चों के बारे में बात की गई। ठीक है, महाजरों के बारे में बात की गई थी, जो स्टेटलेस पीपल है उनके बारे में नया कानून, मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बढ़ता गया। तो 48 में जितने हकूक थे उनमें आज अगर आप देखेंगे नए कन्वेंशंस की वजह से और ज्यादा हकूकों की बात हुई, जिसमें ये था कि अकलियत तो माइनॉरिटी को हक की बात नहीं थी। आज बहुत सारे कन्वेंशंस ऐसे यूएनओ की तरफ से है जिनमें अकलियतों को माइनॉरिटी को हक दिए जाते हैं, गुलाम को तो हक दिए जाते, मजदूरों को हक दिए जाते थे, जो जिनके पास जो किसी रियासत के बाशिंदे नहीं उनको हक दिए जाते। ये नए कन्वेंशन आते गए और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ऐड होते गए, जमा होते गए। ठीक है, तो उस वजह से इसलिए ये भी कहा जाता है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये बढ़ता रहा, ये फैलता है, ये बढ़ता है, आगे जाता है, और इसमें जो कोई बोलता है ये चीज होनी है तो वो ऐड करते, अगर वो जेन्युइन है सही है तो यूनिवर्सल जनरल असेंबली में डिस्कस होता है, तो फिर कन्वेंशन पास होके उसमें ऐड होता गया। तो भी आज बहुत सारे हकूक ऐसे जो 50 साल पहले नहीं थे, मजदूरों के खास हकूक थे, स्टेटलेस पीपल के खास हक नहीं थे, आज वो है, अकलियत तो माइनॉरिटी के तशद्दुद के खिलाफ वगैरह वगैरह बहुत सारे हकूक जो है उसमें आज ऐड होते गए नए नए कन्वेंशन की बुनियाद पर। ठीक है, ये था ओरिजिन, इब्तिदा और इर्तिका, हकूक की इब्तिदा और इर्तिका। मैं अब आपके साथ बात करूंगा हकूकों की अकसाम यानी टाइप्स ऑफ राइट्स। अगेन आई विल रेफर टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये हकूकों को दो तरह से डिवाइड करता है, इसने हकूकों को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक शहरी और सियासी हकूक और दूसरा इक्तिसादी समाजी और सकाफती हकूक। ये कहता है कि हर इंसान के पास, चूंकि आपका सवाल हो सकता है कि सर आपने हुकूम के बारे में बहुत बात की मगर ये हुकूम क्या क्या है, क्या हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं? उसी के जवाब में ये आप कह सकता हूं, जब हम हुकूम के इकसाम के बारे में टाइप्स ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ने क्लियरली इनको दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक वो हुकूम जिनको वो कहते हैं सियासी और शहरी हुकूम, दूसरे इक्तिसादी समाजी और सकाफती हुकूम। दो कन्वेंशन के तहत इनको अलग अलहदा किया गया था। अब ये शहरी और सियासी हकूक क्या है, अब ये भी यहां पे बात जहन में रखने की जरूरत है कि इस शहरी और सियासी हकूक का मतलब ये नहीं कि वो हकूक कम है या समाजी इक्तिसादी सकाफती हकूक कम, नहीं, हर हक जो है बराबर है, ऐसा नहीं कि किसी के शहरी हकूक ज्यादा अहम है सियासी हकूक उतने अहम, नहीं, बल्कि जितने जरूरी शहरी हकूक है उतने ही जरूरी समाजी हक भी है, सकाफती हक भी है। ठीक है, अब ये कानूनी किरदार में, क्योंकि इनको ये बात मैंने पहले, अब हम कहेंगे शहरी और सियासी हकूक किनको हम बोलते हैं। बैन अल-अक़वामी मुआहदे के मुताबिक ये कन्वेंशन पास हुआ था 1967 में, जिसने अक्वाम में शहरी और सियासी हकूक पे एक मुश्तमिल एक कन्वेंशन पास किया। इन हकूक
ये इनको हम पहली नस्ल के हुकूक भी कहते हैं, ठीक है, थीके? या फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स। शहरी और सियासी हुकूक जो है ये कन्वेंशन के तहत पास हुए, इनको हम क्या बोलते हैं, अगर आप कभी सुनेंगे ना टर्म फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स, जब आप सुनेंगे ये टर्म तो आपको ये समझना है ये शहरी और सियासी हुकूक की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स मींस सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। ये क्या है, मुख्तलिफ दीगर के अलावा शहरी सियासी हुकूक, ये वो हुकूक है जो हक आपको, जिनमें आपको क्या चीजें मिलती हैं, आपको वोट डालने का हक मिलता है, जिन जिसमें आपको सियासत में हिस्सा लेने का हक मिलता है, जिस ये इसमें ये वो हुकूक है जिनसे आपको सोसाइटी में पूरा हक रहने का मिलता है, जिसमें आपको इजहार ख्याल जो है वो मिलता है, पूरा हक मिलता है, जिसमें आपको मजहब का हक मिलता है। तो शहरी और सियासी हुकूक में क्या है, वो तमाम हुकूक जो आपको सियासत में हिस्सा ले यानी वोट डालने का हक है, आपको डिसीजन मेकिंग बॉडी का हक है, आपको मजहब को फॉलो करने का हक है, आपको इजहार ख्याल करने का हक है, आपको सोसाइटी में पूरी तरह इक्वालिटी के साथ रहने का हक है, ये तमाम हुकूक किस कैटेगरी में आते हैं, शहरी और सियासी हुकूक यानी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वो हुकूक है विच गिव्स यू द राइट टू लाइफ, विच गिव्स यू द राइट टू लिव लिबर्टी, विच गिव्स द राइट टू लिव इन अ डिग्निफाइड मैनर, विच गिव्स यू द राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, रिलीजन ऑफ योर चॉइस, ठीक है। ये तमाम हुकूक जो है उन्हीं पे मुश्तमिल है, ठीक है। सिविल दो हिस्सों में हम राइट्स को तकसीम करते हैं, शहरी और सियासी हुकूक, सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, और दूसरा किस्म जो है, दूसरा जो किस्म के हुकूक है वो है इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। सिविल एंड शहरी और सियासी हुकूक में तमाम हुकूक जो है सियासत के साथ साथ जुड़े हैं, जैसे आप मुझे कल लगेगा कि मैं पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे हक है क्योंकि मेरे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, मैं वोट डालूंगा मेरा हक है, मैं किसको वोट डालूं ये मेरी मर्जी है, ये मेरा हक है क्योंकि इट्स अ सिविल पार्ट ऑफ माई सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स। मैं किस मजहब से को फॉलो करूं या किसी मजहब को फॉलो, ये मेरा हक है। मैं अपने इजहार में कोई आइडियोलॉजी को प्रमोट करूं, किसी या खास आइडियोलॉजी के बारे में एडवोकेसी करूं, ये मेरा हक है, ठीक है। तो ये हक किस कैटेगरी में आते हैं, सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, शहरी और सियासी हकूक। दूसरी कैटेगरी के हक जो किस्म है वो है मायेशी यानी समाजी और सकाफती यानी इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये भी बराबर के हक है, ये भी वही उतने ही इंपॉर्टेंट है जैसे जितने इंपॉर्टेंट शहरी और सियासी हक है। इस इन हुकूकों को ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है उनको दूसरे लफ्जों में सेकंड जनरेशन ऑफ राइट्स भी कहते हैं, यानी दूसरी नस्ल के हुकूक। अगर आप दूसरी टर्म यानी सेकंड जनरेशन ऑफ राइट्स सुनेंगे तो आपको ये समझना है कि द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, मायेशी समाजी और सकाफती हुकूक, ठीक है। ये वही हुकूक है सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड जनरेशन ऑफ राइट्स मायेशी समाजी और सकाफती हुकूक। और ये भी एक कन्वेंशन के तहत वजूद में आए, अलग से अलायदा किया गया, और जो कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये कब वजूद, जब 1966 में, और लागू कब हुआ, 1976 में, ठीक है। अब इसमें कौन से हुकूक है, इसमें इक्तिसादी हुकूक है यानी आप अपनी इकोनॉमी, आप फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल लाइफ है आपकी, इक्तिसादी है जिंदगी, उसको चलाए, आप अपनी मर्जी से कारोबार करें, आपको बहसते एम्प्लॉय कुछ हुकूक है, आपको बहसते जो है कम्युनिटी, आप किसी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखते हैं, आप उस जबान को फॉलो प्रमोट करने का हकदार रखते हैं, जैसे मैं कश्मीरी हूं मुझे कश्मीरी, ठीक है, मेरा ये कल्चरल राइट है कि मैं कश्मीरी को आगे बढ़ाऊं, मेरा ये हक है कि मैं कश्मीरी में बात करूं, मेरा ये हक है मैं अपने कल्चर को आगे ले जाऊं, उसको प्रमोट करूं, उसको प्रोटेक्ट करूं, ये हक कहाँ से आया, ये मुझे समाजी मवेशी और सकाफती हक से मिला है। इसी साथ साथ मैं अपने हिसाब से कारोबार शुरू करूं, मैं कोई मुझ पे ये जो है कानून लागू नहीं होता कि आप ये मत कीजिए, वो
मेरे बहसती मजदूर, बहसती एम्प्लॉय, मेरे बहुत सारे हकूक है, ये सब किस किसके कैटेगरी में आते हैं? समाजी, समाजी और सकाफती हकूक। यानी आपके पास वो सारे हकूक है जो वो हकूक दिए गए हैं जिससे आप अपनी इक्तिसादी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इक्तिसादी हालत को आगे ले बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आज आप देखिए, एक तरफ दुनिया हिंदुस्तान में बहुत सारे गरीब है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बहुत सारे ज्यादा अमीर है। अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं, नहीं जी आपके पास बहुत सारी दौलत है, आप उसका बहुत सारा हिस्सा हमें दे दीजिए। नहीं, क्योंकि उसको इक्तिसादी हक है। आप वो करोड़ों रुपए महीने में कमा सकते हैं, यहाँ से आप दूसरे लोग देखिए जो 2 रुपए भी दिन में नहीं कमा पाते या बेकार है बिल्कुल। ये इक्तिसादी हकूक है। हाँ, अगर वो जायज तरीके से लीगल प्रोसीजर के तहत वो टैक्स वगैरह भरते, वो हक तरफ तरीके से वो अपना कमाई करते, उसका हक है। इसी तरह समाज में आपका या आप अपनी किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, आपको हक है कि उस कम्युनिटी के कल्चर को, उस हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाइए, उसकी जुबान जो है आपकी अपनी मादरी जुबान है उसको, उसमें बात कीजिए, उसको बढ़ावा दे दीजिए, आप अपने हिसाब से मजहब फॉलो कीजिए, ये भी इसका हक, ये भी आपका हक है। क्योंकि ये हक आपको कहाँ से मिला है? सिविल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट से। ये तो जो कन्वेंशन है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसने हिस्सों को दो तरह से तकसीम किया। एक वो हकूक जिनको हम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स कहते हैं, दूसरे वो हकूक जिनको हम इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स यानी मायशी, समाजी और सकाफती हकूक कहते हैं। ये दोनों अलग अलग कस्म है, मगर दोनों बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि एक कैटेगरी जो है हकूकों की वो ज्यादा है। नहीं, हर हक जो दो हिस्सों में तकसीम की, हर हक बराबर है। इक्तिसादी हक भी उतना बराबर है जितना आपका समाजी हक, समाजी हक और सकाफती उतने ही जरूरी है जितने आपके पोलिटिकल राइट्स, जितने आपके सिविल राइट्स हैं, शहरी राय हकूक है। ठीक है, शहरी राइट्स में ये भी है कि आपको किसी मुल्क का बाशिंदा रहने का पूरा हक है। इक्तिसादी हक में, समाजी हक में, सकाफती हक में, कल्चरल राइट्स आपको दिए जाते हैं, समाज में रहने का आप पूरा हक रहता है आपको। ये कोई, आप हिंदुस्तान में किसी भी जगह रह सकते हो, किसी भी जगह अपने आप मजहब को फॉलो, क्योंकि आपके पास समाजी और सकाफती हक है। आप अपने आसपास के लोगों से अगर वो बोलते हैं आपकी मादरी जुबान में बात कर सकते, क्योंकि आपका, आप किसी भी जगह हिंदुस्तान में जाइए अपने हिसाब से कारोबार के, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दिल्ली में दुकान खोलूंगा, मुझे ये नहीं बोल सकता कोई, नहीं जी आप दिल्ली के नहीं हो, आप मत, नहीं, ये मेरा हक है। ठीक है, ये इक्तिसादी हक है। ये हाँ, मेरा ये सब तरीका जो है ये जायज होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मेरा इक्तिसादी हक दूसरे का हक छीनने का बायस ना बने। मेरा समाजी हक ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में इंतशार ना पैदा होता, मैं जब अपने मजहब को पढ़ूँ उससे कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं शुरू होनी चाहिए। ये जो है ये दूसरी कैटेगरी के हक। अब हम आते हैं आज के लेक्चर के आखिरी सेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं हकूकों की अहमियत। हकूक क्यों अहम है? जो पहले भी मैं आपको कह रहा था कि दुनिया में हम हकूकों की बुनियाद पे मुल्क को डेमोक्रेटिक कहते हैं, मुल्क को जमहूरी कहते हैं और मुल्क को अथॉरिटेरियन कहते हैं। चाइना को आप अथॉरिटेरियन कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे हकूकों की पामाल, वहां बहुत सारे हकूक लोगों को नहीं दिए जाते। हक इसलिए है, ये आलमी तौर पे ये आर्ग्यूमेंट, ये बात मानी गई है कि हक हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, आपको हक इसलिए जरूरी है, आपके लिए हक इसलिए क्योंकि आप अपने आप को आगे बढ़ा जाए, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, आप अपनी जिंदगी में बेहतर से बेहतर करें, आप अपनी जिंदगी की जो कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियल है, अगर आपको हक नहीं है तो वो आप उन चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो इनफरादी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हकूक जरूरी है। ठीक है, दूसरा ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि हक जो है इससे सही बात सामने आती है। ठीक है, जब मेरा हक है, मैं किसी के बारे में ओपिनियन जाहिर करूं, दूसरा के पास भी हक है कि वो उस बात पे अपनी अपना ओपिनियन जाहिर करे। ठीक है, जब दोनों अपनी मर्जी के आजादी के साथ इस किसी बात को, तो जाहिर सी बात है कि सही बात सामने आएगी, उसके अपने आर्ग्यूमेंट्स, मेरे अपने, तो उससे तो ये हक जो है हमें आगे ले जाने के लिए ये जो सही बात
को जाहिर करने के लिए जरूरी है। इनफैक्ट मैं एक मिल की एक मिसाल देता हूं, जेएस मिल, जिसने कहा है, जॉन स्टॉट मिल, जिसने कहा कि एक तरफ से अगर पूरी दुनिया के लोग हैं और दूसरी तरफ से एक वाहिद बंदा है, एक उसका हक है कि आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप वाहिद हो, बाकी लोग एक बात नहीं मानते आप, नहीं, उसको भी उतना हक है जितना बेजारे के लोगों को कि वो अपने आप बात को सामने रखे, क्योंकि उस चीज से सही साबित, सही बात सामने आएगी। दूसरा, तीसरा ये है कि हकूक जब हमारे होते हैं तो हमारा जो है ये बुनियाद डालता है किसकी? जमहूरी हुकूमत की। तो हुकूक इसलिए भी अहम माने जाते हैं क्योंकि इससे हम ये कह सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा अथॉरिटेरियन सिस्टम है, कौन सा अनअथॉरिटेरियन सिस्टम, कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स हैज मल्टीपल पर्पस, इट हैज इनॉर्मस सिग्निफिकेंस। ये हर इंसान के लिए जरूरी है इंफरादी तौर, ये कम्युनिटी के लिए भी जरूरी है। जैसे मेरा एक खास कम्युनिटी से ताल्लुक है, जब मेरे पास हकूक है तो उनको कम्युनिटी राइट्स, उनको मैं अपने जुबान को, अपने कल्चर को आगे ले जाऊं, ये मेरा हक है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स हैव मेनी मीनिंग्स, आप अपने हिसाब से बोल सकते। आज औरतों के पास हकूक तभी वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो खुद भी आप सोचिए कि अगर आपके पास, इमेजिन कीजिए, मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे यह बात बोल सकता हूँ, आप अपनी जिंदगी को तसव्वुर कीजिए कि आपकी जिंदगी में हक नहीं है, तो आप कैसे होंगे, आपकी जिंदगी कैसे होगी। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। थैंक यू, शुक्रिया।